फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिया फैमिली ब्लॉग्स। अभी मैं आपके साथ कोई ब्लॉग शेयर नहीं कर रही हूँ। आज मैं आपके साथ फेस पैक जो मैं लगाती हूँ, अपने यूज करती हूँ, वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यह फेस पैक मैं कोई बाज़ार से खरीद के कोई सामान नहीं लेके आती हूँ। जो मेरा घर में यूज रसोई का किचन का सामान है, उसी से मैं ये फेस पैक बनाती हूँ। मुझे पसंद है इसको लगाना, फ़ायदेमंद है, इसीलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप भी एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। यही जो किचन में आपका सामान होगा, सब सामान आपको किचन में मिल जाएगा, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपके पसंद आएगा तो एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा मेरे कहने पे। ठीक है, बताती हूँ क्या क्या करना है, चलते हैं। सबसे पहले मैंने एक आलू को ले लिया है, उसको छीला नहीं, आलू को ऐसे ही लिया है, धो लिया अच्छे से आलू को। उसके बाद कद्दूकस करने के लिए मेरे पास दो साइज़ का है, छोटे वाला साइज़ का है, उसी को मैं लगा ली हूँ और इसको कद्दूकस कर लूँगी। कद्दूकस करने के बाद इसका रस निकालना है अच्छे से, इसको छिलका नहीं उतारना है, ऐसे ही इसको कद्दूकस कर लेना है। कद्दूकस करके आप इसको छानने के लिए, आप कपड़ा में भी इसको छान सकते हैं, छलनी में भी छान सकते हैं। मेरा छलनी था इसलिए मैं छलनी से छान लूँगी इसको, अच्छे से इसका निकाल लूँगी रस है जो कद्दू इसके सॉरी आलू के अंदर जो पानी निकलेगा आलू का, उसको अच्छे से मैं पूरा निकाल लूँगी। पूरा पोंछ लिया मैंने इसको, अच्छे से साफ़ कर लिया, इसका पानी निकाल लूँगी मैं। एक आलू का पानी काफ़ी होगा एक दिन के लिए, आप इसको बना के रख नहीं सकते, सूखा बना पाउडर बना के रख सकते हैं, जो इसको भिगा हुआ है इसका वो बना के नहीं रखना है आपको। उसको जैसे तुरंत बनाए तुरंत लगाना है, बनाने के तुरंत बाद इसको लगाना, रखना नहीं है। दो चार मिनट आप रख सकते हैं, ये नहीं दो तीन दिन के लिए नहीं रख सकते हैं इसको। अच्छे से मैंने इसको आलू का पानी निकाल लिया है, इतना काफ़ी एक दिन के लिए मेरा इतना पानी काफ़ी होगा। अब जो मैं इसमें और चाहिए वो बता देती हूँ। मैंने लिया है एक चम्मच बेसन लगभग, उसमें एक चम्मच मैं मिलाऊंगी इसका मुल्तानी मिट्टी, और एक चम्मच थोड़ा सा इसमें हल्दी मिलाना है। हो सके तो आप पिसा हुआ जो हल्दी आता है वही मिलाए, खरीद के जो बाज़ार में सब्ज़ी वाला नहीं। उसके बाद मैं एक चम्मच चावल काटा इसमें डाल लिया है मैंने। सब चीज़ डालने के बाद मैं इसको मिक्स कर लूँगी, अच्छे से मिला लूँगी सब चीज़ को। ये जो मेरा पाउडर बना है ये कम से कम दो तीन बार मेरा हो जाएगा, एक चम्मच पाउडर एक बार में लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा। यही जो आलू का पानी है उसमें एक चम्मच मैं पाउडर डाल दूँगी, उसके बाद इसको मिक्स कर लूँगी, अच्छे से मिक्स कर लेना इसमें। अगर आपको वो आलू का पानी नहीं चाहिए तो आप इसमें गुलाब जल भी डाल सकते हैं, कच्चा दूध भी डाल सकते हैं। अब मैं इसको लगा लूँगी चेहरे पे। यहाँ मेरा आवाज़ जो था वो कम था, इसीलिए मैंने ऊपर से वॉइस ओवर किया है। अच्छे से मैं अपने फेस पे इसको लगा लूँगी, इसको ब्रश से नहीं लगाऊँगी मैं, अपने हाथों से अच्छे से लगा लूँगी। बहुत फ़ायदे का चीज़ है, अगर आपको पसंद है तो एक बार लगा के ज़रूर ट्राई करिएगा मेरा खाना। बहुत बार मैंने ये बात बोल दिया है कि बहुत फ़ायदे का चीज़ है। कोई भी चीज़ आपको बाज़ार में ख़रीदना नहीं है, हर सामान आपके घर में मिल जाएगा जो भी है। मुल्तानी मिट्टी तो ज़्यादातर घर में रहता ही है, सब ज़्यादा मेरे अंदाज सब कोई लगाता है मुल्तानी मिट्टी। उसी में दो सामान और मिला के लगाना है, हफ्ता में आप इसको दो बार लगा सकते हैं, रोज़ नहीं लगाना है, दो या तीन बार लगा सकते हैं। अभी मैंने पूरा चेहरा पे इसको लगा लिया है अच्छे से, गर्दन में भी लगा लिया है, क्या गर्दन भी ज़्यादातर काला काला रहता है, इसीलिए मैंने गर्दन में भी लगा लिया है। बहुत दिन बाद आज मैंने इसको ट्राई किया है, मैं इसी को लगाती हूँ और कोई बाज़ार से ख़रीद के कोई पैक नहीं मंगवाती हूँ। अभी मेरा सूख गया है, इसको 80% लगभग सुखाना है, ज़्यादा नहीं सुखाना है, ज़्यादा सुखाने से आपको उतारने में समस्या होगा, इसलिए 70 या 80% आपको इसको सुखाना है, पूरा 100% नहीं सुखाना है। हल्के हल्के हाथों से इसको उतारना है, हल्के हल्के हाथों से उतार के आपको इसको धोना नहीं है चेहरे को, पहले हल्के हल्के हाथों से उतार लेना इसको धीरे धीरे। अब इसको मैं हल्के हल्के हाथों से उतार लूँगी, उसके बाद मैं इसको चेहरे को धो लूँगी, पूरा उतारने के बाद ही धोऊँगी, पहले इसको उतारना है। देखिए मैंने पूरा उतार लिया चेहरे को, साफ़ कर लिया पूरा। अब मैं नॉर्मल पानी से इसको धो लूँगी,
चारे को नॉर्मल पानी से पूरा धो लूँगी अच्छे से। चारे को धो लिया है, अब इसके फ़ायदे मैं आपको बताऊँगी नहीं, आप अपने इस पर एक बार ट्राई करके देखिएगा तो आपको अपने समझ में आ जाएगा किसके क्या फ़ायदे है। बहुत फ़ायदे का चीज़ है, घर में जो भी सब सामान है वो आपके घर में मिल जाएगा, कोई सामान आपको बाज़ार से ख़रीदने का ज़रूरी नहीं है, बहुत सस्ता में हो जाएगा आपका काम। अगर आपको पसंद आया है वीडियो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल मिलेंगे अच्छी सी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।